हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आस्था चौहान और आइए देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या पक रहा है। बुधवार की शाम मनीष मल्होत्रा के ब्राइडल कुटोर 2018 फैशन वीक में सलमान खान और कैटरीना कैफ ने रैंप पर उतरकर महफिल लूट ली। इस शो में शो स्टॉपर बनकर जब स्टेज पर सलमान और कैटरीना कैफ आए तो वहां मौजूद तमाम दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई, जिनमें बॉलीवुड की कई नई पुरानी अभिनेत्रियां शामिल रही। तापसी इन दिनों अपनी फिल्म मुल्क के लिए चर्चा में है। ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। तेजी से उभरती हुई बॉलीवुड अभिनेत्रियों की बात करें तो तापसी इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम है। साउथ की फिल्मों में अवार्ड विनिंग धमाल मचाने के बाद अब तापसी पन्नू बॉलीवुड में भी पैठ बनाती जा रही है। 1 अगस्त को तापसी पन्नू ने अपना जन्मदिन मनाया। 1 अगस्त को गूगल ने डूडल बनाकर मीना कुमारी को उनके बर्थडे पर याद किया था। अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का करिश्मा कुछ ऐसा था कि आज भी उनका जादू सिर चढ़कर बोलता है। उनके जाने के 46 साल बाद भी उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई छू नहीं सका है। आज मीना कुमारी हमारे बीच होती तो वे 85 साल की होती। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स के डेब्यू का मौसम चल रहा है। ये मौसम अब और सुहाना होने वाला है क्योंकि अब बॉलीवुड की सबसे अहम स्टार किड ने रुपहले पर्दे पर झिलमिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये स्टार किड है शाहरुख खान की बेटी सुहाना का, जिन्होंने करियर को लेकर अपनी चॉइस बता दी है। सुहाना को एक्ट्रेस ही बनना है, इसका ऐलान उन्होंने एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कर दिया है। सुहाना इस मैगजीन के कवर पर भी आ रही है और यकीन मानिए सुहाना को इस अंदाज में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आखिर क्यों प्रियंका चोपड़ा ने अंत समय में सलमान खान की फिल्म भारत में काम करने के लिए मना कर दिया? फिल्म भारत को छोड़ने के पीछे जो भी कयास लगाए जा रहे थे, उनके जवाब में प्रियंका के करीबियों का कहना था कि उन्होंने ये फिल्म किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से छोड़ी है और यही कारण अब सच साबित हुआ है। आपको बता दें कि प्रियंका हॉलीवुड अभिनेता क्रिस प्रैट के साथ हॉलीवुड फिल्म कॉबॉय निंजा वाइकिंग में लीड किरदार में नजर आएंगी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म वैसे तो 11 अक्टूबर को हुआ था, मगर 2 अगस्त को वो अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। बिग बी के चाहने वाले भी इस दिन उन्हें बधाइयां देना नहीं भूलते। अमिताभ के लिए 2 अगस्त इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन उन्हें दूसरी जिंदगी मिली थी। कूली की शूटिंग के दौरान हादसे में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। शाहरुख खान की फिल्म 0 का ट्रेलर कब आएगा? इसका जवाब शाहरुख खान के पास नहीं। शाहरुख ने कहा, सही बताओ तो मुझे कुछ नहीं पता, पूरा क्रिएटिव काम कलर येलो प्रोडक्शन के लोग देख रहे हैं जो आनंद रॉय की कंपनी है। काम बहुत कठिन है क्योंकि स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। शाहरुख ने कहा कि ये कोई आम फिल्म नहीं है कि आज कुछ सोचा और कल उसे पूरा भी कर लिया, इसलिए ट्रेलर को रिलीज करने के बारे में जो भी तय करना है आनंद रॉय और उनकी टीम को ही करना है। कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री को रिलीज होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन लगातार ये फिल्म अपनी कहानी को लेकर चर्चा में हो रही है। इस फिल्म का नया गाना मिलेगी मिलेगी रिलीज हो चुका है, जिसमें श्रद्धा कपूर का बेहतरीन डांस देखा जा सकता है। एक और जहां श्रद्धा कपूर डांस करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर गाने को आखिर में राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी को मजबूरन डांस करना पड़ता है, वो भी महिला के लिबास में। बॉलीवुड में फिलहाल इतना ही, मुझे यानी आस्था चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा, होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री
अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।